भाई अभी तक तुमने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाके देखो, क्योंकि ये वीडियो उससे ही लिंक्ड है। बट अगर तुमने नहीं भी देखी फिर भी थोड़ा बहुत काम चली जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद मेरी सारी वीडियोज जाके देख लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि निकोला टेस्ला ने एक बात बोली थी, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड देन थिंक इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज, एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट स्टेटमेंट। सो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, थ्रू सम स्टोरीज एंड या। सो सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या मैंने बोला था। सो जो पहला पॉइंट मैंने उसमें बताने की कोशिश करी थी कि वी आर नॉट थिंकिंग वट वी थिंक वी आर थिंकिंग, वी आर थिंकिंग वट एवरीबडी एल्स हैज थॉट विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरियंस, एंड दैट वेरिएशन एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू आइडिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो मैंने बात करी थी बेसिकली कि वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसिस, ठीक है। सो हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा एक्चुअली न्यू एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं किस स्टोरी के साथ, उसके बाद हम मैं तुम्हें दो तीन स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम उसे इंटरलिंक करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। सो जब मैं मतलब छोटा था, सो बेसिकली उस समय मैंने कहानी सुनी थी, शायद से बाल हनुमान मैं देख रहा था, उस समय मैंने कहानी सुनी थी कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उनके जो मतलब गुरु जी थे, टीचर थे, उन्होंने मतलब जब उन्हें वो ज्ञान दे रहे थे तो बेसिकली क्या हुआ कि हनुमान जी के पास ऑलरेडी बहुत जल्दी उन्होंने वो ज्ञान कैप्चर कर लिया और अपने गुरु जी से ही ज़्यादा जान गए, ठीक है। और फिर उसके बाद गुरु जी ने उनसे एक लाइन बोली कि अब मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, या फिर इतना ज्ञान नहीं है अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे पाऊँ, जो मुझे आता था तुम ऑलरेडी उसे सीख चुके हो और उससे ज़्यादा ही सीख चुके हो। सो अब जितना भी ज्ञान है अब वो किसके पास है, सूर्यदेव के पास, तो तुम जाओ सूर्यदेव से सीखो, ठीक है। तो सूर्यदेव के पास जाते हैं, फिर उसका सीखते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, और ऐसे ही जो एक स्टोरी है श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। सो हुआ क्या था कि उनके पास, उन्होंने मतलब कभी फॉर्मल मैथमेटिक्स की कभी ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है, फिर भी उनके पास वो आइडियाज आ रहे थे जो बेसिकली आइडियाज कह लो, इक्वेशन कह लो, जो बेसिकली अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। तो उनसे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, मतलब फॉरेन मैथमेटिशियन ने एक बात पूछी थी कि आपको ये आइडियाज आते कहाँ से थे। सो उन्होंने एक बात बोली कि मुझे मेरे सपने के अंदर सरस्वती माता आके बताती या फिर देवी आके बताती, उन्होंने ये पर्टिकुलर टर्म यूज किया था देवी। सो या मैं इसके बारे में सोच रहा था, अभी हम सारी स्टोरीज को कनेक्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे। एंड द थर्ड स्टोरी इज अबाउट मल्टीपल डिस्कवरी, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, थोड़ा क्या मतलब ठीक ठाक डिस्कस किया है। सो मल्टीपल डिस्कवरी में क्या होता है कि बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दिमाग में सेम आइडिया आता है, ठीक है, एंड टाइम एक्चुअली डजंट मैटर, थोड़ा बहुत टाइम मैटर करता है बट उतना नहीं करता। सो जब एक आइडिया दो या दो से ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल डिस्कवरी, ठीक है। और शायद से ऐसा किसके साथ हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन एंड मार्कोनी के दिमाग में सेम आइडिया आया था रेडियो का, ठीक है। आई कैन कन्फर्म इट कि एडिसन था या फिर निकोला टेस्ला, शायद से इन्हीं दोनों में से एक गए थे जिनके दिमाग में सेम आइडिया आया था। सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरीज बिकॉज दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि जो मैंने पहले वीडियो में क्लेम किया था कि जो हमारी जो बेसिकली नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होती है, वो कहीं ना कहीं जाके रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके रिकॉर्ड हो रही है। और तुम्हें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो हनुमान जी की स्टोरी है वो बेसिकली बहुत पुरानी है, सदियों से चली हुई आ रही है, पता नहीं कितने दशकों और पता नहीं कितने हजारों सालों से बेसिकली चली हुई आ रही है। सो उस समय जब वो जमाना था तो बेसिकली वो था हमारे वर्बल, ठीक है, हम याद रखते थे, उसके बाद वर्बली हम उसे रिप्रेजेंट करते थे, उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन यही कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। सो उसके बाद राइटिंग आई, उसके बाद हमने लिखना शुरू किया,
सो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि उस समय बर्बल चला करता था ये। एंड या सो बेसिकली अब इसके सहारे मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसके अंदर कुछ हिडन नॉलेज हो। क्या मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हो सकता है उसका मतलब कुछ अलग हो, बट मैंने कॉन्टेक्स्ट अलग निकाला। सो जो हनुमान जी थे वो सूर्य देव के पास गए नॉलेज लेने। आई थिंक इट रिप्रेजेंट कि देयर इज समथिंग अबाउट सन जो हमें नहीं मालूम, सम सन कह लो, स्टार्स कह लो, बिकॉज अगर तुम देखोगे सो ऑलरेडी वी आर सराउंडेड बाय सनलाइट, ठीक है, बिकॉज स्टार्स भी तो सन ही है। ऐसा नहीं है कि भैया स्टार्स कुछ और हैं, स्टार भी एक तरीके का सन है, हम उनसे रात को भी घिरे रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हम रात दिन इन सब चीज़ों से घिरे रहते हैं बेसिकली। एंड इट डिनोट्स, आई थिंक इट डिनोट्स कि नॉलेज या एक्सपीरियंस है ना स्टार्स या सन के अंदर है बेसिकली। एंड इससे पहले की वीडियोज में जो मैंने लाइन बोली थी कि बहुत सदियों से एक लाइन चली हुई आ रही, कंटिन्यूनेशन है ना, तो बहुत सदियों से एक लाइन चली आ रही कंटिन्यूली, ठीक है, कि लोग मरने के बाद स्टार्स बन जाते हैं। आई थिंक उनका एक्सपीरियंस जाके स्टार्स के अंदर स्टोर हो जाता है, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम उसी चीज को, सेम पोटेंशियल को जब अनलॉक करते हैं, और अनलॉक कैसे करते हैं बेसिकली, हमने जब कुछ देखा या कुछ सोचा जब वो सिमिलर टू दैट आइडिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो हमारे दिमाग में वही जनरल आइडिया आ गया, ठीक है। बिकॉज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं ऑलरेडी आ चुके होते हैं लोगों के दिमाग में। सो या सो बेसिकली श्रीनिवासन रामानुजन के साथ हो क्या रहा था, आई थिंक ही हैज अनलॉक्ड अ दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज मच मोर हायर देन वी आर, ठीक है। मतलब उन्होंने उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर दिया था कि उनके पास ऑलरेडी जो वहां पे एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो उनके दिमाग में आई जा रही थी, ठीक है। और है ना, और तुम्हें भी पता है कि जब हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है या इन्फॉर्मेशन होता है उसी के अंदर से हम इमेजिन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे पास वो फीलिंग नहीं है, तो तुम एक एलियन फीलिंग को तुम फील कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर तुम्हें पेन को डिफाइन करना है, पेन, दर्द, लव, कुछ भी जो ये इमोशंस होते हैं, अगर मैं कहूँ जो इंसान इसे फील ही नहीं कर सकता उसे तुम्हें समझाने की कोशिश करो, डेफिनेटली तुम इसके प्योर फॉर्म में नहीं समझा पाओगे, ठीक है। और तुम समझा भी दोगे तो उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा समझने के लिए, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोगे समझ लेगा, ठीक है। जैसे एक बात कही जाती है, वाइस मैन वर्ड्स इज द फूलिश इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कोई समझदार आदमी कुछ बात कह रहा है तो बेवकूफ उसे अपने हिसाब से ढाल देता है इस तरीके से, मतलब काफी, आई नो काफी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, बट कोई नहीं, तुम्हें समझ आ गया आई होप। सो रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन के साथ हो क्या रहा था कि उन्होंने वो पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल जब उन्होंने अनलॉक किया तो उन्हें बेसिकली देवी माता दिख रही थी, ठीक है, बिकॉज उनकी पूजा भी करते थे वो। सो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा किया, या फिर वो नेचुरली, जो कुछ बच्चे तुम देखो गॉड गिफ्टेड होते हैं, हकीकत में गॉड गिफ्टेड नहीं होते यार वो, गॉड तुम्हारा, उनका दिमाग ही कुछ इस लेवल पे थोड़ा रिसीव करने लग जाता है, जिस चलते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप ही पता नहीं यार कुछ करने लग जाते हैं बेसिकली। तुमने देखा भी होगा क्या होता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेजीज, प्रोडोलीज, पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है, जो मतलब जन्म से जीनियस टाइप के बच्चे होते हैं। सो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है कि उन्हें जो है समझ बहुत जल्दी आ जाती है चीजें, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई वो भी उस लेवल ऑफ पोटेंशियल को अनलॉक करने लग जाते हैं बचपन से ही, जो हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हम कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। समझ लो कि तुमने कोई किताब पढ़ी, ठीक है, और तुम उसी किताब को एक साल के बाद जाके पढ़ते हो ना, तो उस किताब का बेसिकली पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो चुका होता है, वर्ड चेंज नहीं हुए
बट स्टिल उस किताब का मतलब चेंज हो गया। कैसे कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उस किताब को एक साल के बाद पढ़ा होगा उनका भी मतलब चेंज हो गया होगा। ठीक है, एंड वेरिएशन डज एग्जिस्ट, वेरिएशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, जो तुमने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस किया उसी की वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है, और वेरिएशन ही शायद से नए एक्सपीरियंस को जन्म दे दे, क्या पता। इसे मैं कंफर्म नहीं कर सकता, इसके बारे में शायद मैं नई वीडियो निकालूं, और इतना मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे मुझे और इसके बारे में मालूम पड़ेगा, इसके बारे में और नई नई चीज़ें मतलब सोचूंगा और मुझे कॉन्सेप्ट और रियलाइज़ होंगे बेसिकली ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सारी ऑब्जर्वेशनल नॉलेज है, ऐसा कोई मतलब ऑफिशियल टेक्स्ट नहीं है जिसे मैं तुम्हें रिफ़र कर सकूं। ठीक है, सो जैसे जैसे मैं और ऑब्जर्व करूंगा और मेरे पास नॉलेज आएगी, सो और वीडियोज़ बनेंगे इसके बारे में डेफिनेटली। सो एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिस्कवरी एग्जिस्ट, क्योंकि तुम देखोगे कि यार मल्टीपल डिस्कवरी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में सेम आइडिया आ रहा है, उसके दिमाग में भी सेम आइडिया आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जनरलाइज फॉर्म में एक सेम आइडिया कई सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियसली वीडियोज में एक्सप्लेन किया। सो या जब एक आइडिया दो या दो से ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग। इफ देयर इज समथिंग देन वॉट इट इज, दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। सो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि वी आर एक्चुअली रिसीविंग फ्रीक्वेंसीज ऑल द टाइम, और यू कैन से एनर्जीज। ठीक है, जैसे ये पिक्चर बेसिकली डिनोट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा एंड में देखते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि हाउ वी आर एक्चुअली रिसीविंग फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बेसिकली इसके लिए मुझे एक थोड़ी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। सो यह भी कुछ फरवरी की बात है, इसी फरवरी की 2020 की। सो मैं था गांव में एंड मैंने काफ़ी वियर्ड चीज़ नोटिस करी गांव में, मेरा मोबाइल उठाने का मन नहीं कर रहा था, एंड एक्चुअली आई वॉज एक्चुअली कॉन्शियस अबाउट इट कि मेरा मोबाइल उठाने का मन नहीं कर रहा। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि यार क्यों नहीं कर रहा है, बेसिकली वो एक क्रेविंग नहीं उठ रही थी बेसिकली मन के अंदर, जो मैंने नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे अपने घर पे आ जाऊँ सो यहाँ पे भाई इतना मन करने लग जाता है भाई, रहा ही नहीं जाता, बट गांव में ऐसा था ही नहीं। गांव में तुम बिलीव नहीं करोगे भाई, 100% बैटरी आती थी सुबह से लेकर शाम तक। सो वहाँ उसी जगह पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पहली चीज़ लोग ही यूज़ नहीं कर रहे थे, एंड जब हम यूज़ करते तो हम अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं थ्रू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और इसका जो बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर इसे तुम ढंग से समझोगे तो इसका जो एग्जांपल होगा टेलीपैथी। ठीक है, माइंड टू माइंड कनेक्शन, एंड दैट इज़ समथिंग रियली यूनिक टू अस। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं टेलीपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमंस में ही एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी आर दैट लेवल ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, बट आज के टाइम में तो उतना एग्जिस्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं तुम अगर स्टोरीज में देखोगे, ठीक है, पुरानी स्टोरीज में, तो तुम देखोगे कि दिमाग से ही कनेक्शन बैठ रहे हैं भाई। ठीक है, तुम इसे फुल्ली डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं तुम फील करते हो उन फ्रीक्वेंसीज को, बट तुम उनसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते। जब मैं फील करता हूँ फ्रीक्वेंसीज को, मैं थोड़ा सा रिकग्नाइज कर पाता हूँ, बट उतना भी नहीं। सो आई थिंक जो टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी दिमाग से फ्रीक्वेंसीज रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, मे बी यू कैन से दैट, कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी लॉजिक के हिसाब से एग्जिस्ट करता है, एंड दैट्स रियली वियर्ड। ठीक है, बिकॉज आई हैव फेल्ट सो मैनी थिंग्स इन लाइफ कि मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि देयर इज समथिंग अननेचुरल अबाउट इट। ठीक है, और यू कैन से नेचुरल अबाउट इट, बट वी थिंक इट्स अननेचुरल अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक वर्ल्ड। सो ये जो टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट था, ये ट्रू हो सकता है बट एट द सेम टाइम हो सकता है ट्रूथ ना हो, बट कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे
चाइना में भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, ची का कॉन्सेप्ट हो गया है ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं चाइना में, इंडिया में और एशियन कंट्रीज में बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये पिक्चर बेसिकली डिनोट क्या करती है, ठीक है, जो पिक्चर है बेसिकली, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे सो तुम देखोगे कि यार इस पिक्चर के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और एक और चीज तुम्हें बता देता हूँ, यह आर्ट है, आर्ट, ठीक है, ARD, बिकॉज कहीं ना कहीं जो चीज़ हम वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम उसे आर्ट या फिर किसी भी मतलब म्यूजिक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिकॉज तुम देखोगे म्यूजिक का मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं, बट स्टिल इट्स मीनिंगफुल टू अस, इट्स इवन इमोशनल टू अस, ठीक है, इट्स मच मोर मीनिंगफुल देन द रियल वर्ल्ड, वाओ, दैट इज समथिंग। सो जो म्यूजिक है बेसिकली वो एग्जिस्ट करता है हमारे दिमाग के अंदर, हमारा दिमाग उस इमोशंस को रेकग्नाइज कर पा रहा है। एंड ये जो पिक्चर है बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हम जो है फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी रिसीव भी करते हैं। एंड और भी बहुत सारे इसमें दिखा रहे हैं चक्र फक्र का, पर कोई नहीं, वो दूसरी चीज है। एंड आई थिंक दैट कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई पुराने टाइम में लोगों ने इसी आर्ट फॉर्म के थ्रू समझाने की कोशिश की हो, बट उसे डीकोड होने में टाइम हो गया हो सकता है मैं डीकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं गलत हो रहा हूँ पूरी तरीके से, भाई मैं गलत हो सकता हूँ, यस 100% गलत हो सकता हूँ, ठीक है, बट सही भी हो सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज देर इज नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। और स्पिरिचुअल टेक्स्ट की एक खास बात होती है कि तुम उसका मतलब बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर तुम कहोगे, अगर तुम स्पिरिचुअल टेक्स्ट को तुम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो, एंड व्हाट आई नोटिस इज कि यार देखो जब तुम अपने डाटा को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो ना, तो यार बहुत चीजें होती हैं जो दूसरा इंसान नहीं बना पाता। और तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो यही ले लो, इस पिक्चर को ले लो, ठीक है। इस पिक्चर के बहुत मतलब हो सकते हैं, सब लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझा सकते हैं, या फिर तो रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, लोग उसे अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी शायद से मैं स्पिरिटेड अवे के बारे में बनाऊं, ठीक है, जो एनिमे मूवी है बेसिकली, मैं उसे देख के थोड़ा हिल गया, सो उसके बारे में सोच रहा हूं मैं बनाऊं, क्योंकि आज जब मैं स्पिरिटेड अवे देख रहा था मैंने कही भाई इसके तो हजारों मतलब निकल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली मैंने अलग ही मतलब निकाला। और जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं तो उन्होंने अलग मतलब निकाल रखा है, मैंने कही भाई यही आर्ट है कि तुम उस आर्ट के हजारों मतलब निकाल सकते हो अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड दैट इज समथिंग, ठीक है। वो जो वेरिएशन हो रहा है ना भाई, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तुम नोटिस करोगे कि इन 10-15 सालों के अंदर जो दुनिया बदली है भाई, वो शायद 100 सालों के अंदर नहीं बदली थी, 1000 सालों के अंदर नहीं बदली थी, क्यों? क्योंकि हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। जब लोगों को एजुकेट करना शुरू किया तो लोगों ने ज्यादा सोचा, जब ज्यादा सोचा तो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके दिमाग के अंदर वेरिएशंस क्रिएट हुए। अब उन वेरिएशंस है ना, वेरिएशंस जो होते हैं, वेरिएशन जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहीं तो जाएंगे, और कहीं जाते हैं बेसिकली, कहां जाते हैं वो, सन, या फिर कहीं पे भी जहां पे हमारा एक्सपीरियंस है, डाटा जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर हो रहा है वहीं पे जाते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं। और बेसिकली अब हो क्या रहा है, जो वेरिएशन मिलजुल के एक नया आइडिया का जन्म दे रहे हैं, अब वो नया आइडिया हो रहा है, जन्म हो रहा है बेसिकली। जब नया आइडिया का जन्म हो रहा है तो जो बेसिकली उस आइडिया के बारे में जो सबसे ज्यादा सोच रहा होगा, जो आइडिया के सबसे ज्यादा क्लोज होगा ह्यूमन बींग, उसके पास वो आइडिया चला जाएगा। जब वो आइडिया उस ह्यूमन बींग के पास जाएगा तो वो कुछ बनाएगा, ठीक है। और यही हो रहा है सदियों से, बस इन 10-15 सालों के अंदर हमने भाई वॉर छोड़ी है, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया है, ठीक है। आज के टाइम में वॉर उतनी भयंकर लेवल पे नहीं चल रही है, आज के टाइम में पीस है, ठीक है, एंड इट्स रियली हार्ड टू ऑब्टेन, वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज यार पीस जो है, पीस, आई थिंक पीस इज द मदर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई थिंक, जो हमने ये वर्ल्ड जो 10-15 सालों के अंदर डेवलप किया है। अगर वॉर हो रही होती डेफिनेटली मैं ऐसे बात नहीं कर रहा होता, ठीक है, शायद से अपॉर्चुनिटी भी मुझे नहीं दिखती, होती नहीं, जब होती नहीं मैं सोचता ही नहीं,
है ना, और फिर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता मैं, और मैं कभी भी एक नया आइडिया का जन्म नहीं दे पाता, मैं ऐसे सोच भी नहीं पाता। मैन दिस इज समथिंग। सो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आई थिंक जो एक नया एक्सपीरियंस जो बन रहा है बेसिकली, अगर ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस जो बेसिकली रेज होते हैं, फिर एक नया एक्सपीरियंस क्या हुआ? आई थिंक जो वेरिएशन होता है उसी के अंदर से एक नया एक्सपीरियंस भी क्रिएट होता है, ठीक है? बिकॉज तुम एक्सपीरियंस भी लेते हो तो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुम एक्सपीरियंस को ले रहे हो, वही जो पर्सपेक्टिव होता है बेसिकली उसके अंदर भी कुछ वेरिएशन होते हैं, अब वो जो वेरिएशन होते हैं वही एक नए एक्सपीरियंस को भी जन्म दे सकते हैं, ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसे और डेप्थ में मैं पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है मुझे, बिकॉज हल्का सा कन्फ्यूज हूँ मैं भी इसमें, ठीक है? बिकॉज मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन उठ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में किसी और टाइम बात करते हैं। एंड मैन यू कांट टेक पीस फॉर ग्रांटेड, बिकॉज तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं पहले केवल मेल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती थी, फीमेल्स आई उनकी वजह से वेरिएशन क्रिएट हुआ, मेल्स की वजह से वेरिएशन क्रिएट हुआ। माय गॉड दिस इज समथिंग। उस वेरिएशन की वजह से नए नए आइडियाज, नई नई चीजों का जन्म होता गया, और आज हम यहाँ पे हैं, आज मैं तुमसे यूट्यूब के थ्रू बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करो अपने फालतू के लोगों के साथ। सो तब तक के लिए सायोनारा।